तो दोस्तों वेलकम टू खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है मेरे पास। अभी हमने आज के सुबह दैनिक जागरण अखबार में पढ़ा और अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये डबल फाटक का दृश्य। तो आज के अखबार दैनिक जागरण के रेफरेंस माने तो कल से पैदल राहगीरों के लिए ये डबल फाटक का पुल खोल दिया जाएगा। ये अपडेट बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है। डबल फाटक के कल से खोल दिया जाएगा पैदल राहगीरों के लिए और आने वाले टाइम के में ये बहुत ही जल्द टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के लिए आने वाले टाइम में ये खोल दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी लोगों को यहाँ पे राहत मिलने वाली है जो लोग बहुत टाइम से परेशान थे। बताना चाहूँगा ये करीब दो महीने से करीब ये पुल बंद था और इसका कार्य को बहुत ही जल्दी यहाँ पे पूरा किया गया। इंजीनियर्स की टीम को बुलाया गया था और इसको देखने के लिए जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी उसमें बताया गया था इसको पुल की मरम्मत की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में किसी बड़े हादसे का यहाँ पे शिकार होया जा सकता है। इसी कारण से यहाँ पे इस पुल को बंद कर दिया गया था। करीब 75 दिनों के लिए इसे बंद किया गया था लेकिन इसका कार्य को बहुत ही जल्दी यहाँ पर पूरा कर लिया गया। और अब सुनने में आ रहा आज के दैनिक जागरण अखबार में मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि कल से पैदल राहगीरों के लिए इस ब्रिज को खोल दिया जाएगा। और यहाँ पे के आसपास के रहने वाले लोग, सब्जी विक्रेता, डेली मजदूर और जो गांव से मुरादाबाद में कार्य करने आते थे उनके लिए इस पुल को लाइफलाइन माना जाता है क्योंकि बहुत ही लंबी डिस्टेंस कवर करके इस समय पंडित दगला की तरफ से लोगों को आना पड़ रहा है या फिर आपके आरटीओ ऑफिस के पीछे से घूम के दिल्ली रोड डबल फाटक दिल्ली रोड की तरफ से लोगों को आना पड़ रहा था और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जाम की परिस्थिति भी बन रही थी, बसों को भी काफ़ी परेशानी पड़ रही थी। तो ये अब अच्छा समाचार आया है कि कल से ये खोल दिया जाएगा आम नागरिकों के लिए, तो कम से कम खोल दिया जाएगा पैदल आने जाने के लिए। बहुत ही राहत की खबर है।